गवर्नर का ईवान इकबाल में बुलाया गया पंजाब असेंबली का इजलास अल्तवा का शिकार है। हम स्पीकर का एक घंटा इंतजार करेंगे। सूबाई वजीर अता तारड़ का यह कहना है, स्पीकर ना आए तो डेप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करेंगे। सरदार अवैस अहमद लगारी को महकमे खजाना अलॉट करने का दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन रजा, बताइएगा गवर्नर की जानिब से जो इजलास तलब किया गया है उस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आइन के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने जो पंजाब असम्बली का इजलास ऐवान इकबाल में तलब किया था वो 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन अभी मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी अफेयर कमेटी का इजलास जारी है 90 शाह पर। जैसे इजलास ख़त्म होगा तो वो तमाम मेंबरान पंजाब असम्बली जिनका ताल्लुक हुकूमती और इत्तेहादी जमातों से है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास के लिए जो ऐवान इकबाल में बुलाया गया है तमाम बजट दस्तावेजात और बजट किताबें भी यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं, और इनके साथ साथ जो ऐवान के अंदर के मामलात हैं जिसको ऐवान डिक्लेयर किया गया है वहाँ पर भी सेम वैसे ही इंतजाम जो है वो भरपूर तरीके से मुकम्मल कर लिए गए हैं जिस तरह पंजाब असम्बली के अंदर किए जाते थे। यहाँ पर घंटी का इंतजाम, तमाम तरह इंतजाम, और यहाँ तक के जो बाबर अंसारी है उनको सार्जेंट एंड आर्म्स जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। वो सार्जेंट एंड आर्म्स के हवाले से जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो निभाएंगे, और डिप्टी स्पीकर बताया जा रहा है कि अगर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही 3 बजे तक यहाँ पर नहीं आते तो डिप्टी स्पीकर को नामजद कर दिया जाएगा। यही बात हुई, 3 बज चुके हैं, अभी तक जो है स्पीकर पंजाब असेंबली यहाँ पर नहीं आए क्योंकि उन्होंने अपना इजलास पंजाब असेंबली में तलब कर रखा है, वो इजलास शुरू कर रखा है। अब यहाँ पर डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करेंगे और यहाँ पर तमाम मेंबरान असेंबली पहुँचेंगे, और बताया जा रहा है 3:30 बजे से 4:45 बजे के दौरान पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होगा। तिलावत नात के फौरी बाद जो है सरदार अवैस अहमद लगारी जो है वो बजट पेश करेंगे, और इसके हवाले से सूबाई सब कैबिनेट कमेटी की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सरदार अवैस अहमद लगारी जो सूबाई वजीर खजाना है कि वो खुद आके तमाम मामलात को देखेंगे और बजट दस्तावेजात यहाँ पर पहुँचाएँ और बजट को पेश करें। ये ज़रूरी था कि अगर पंजाब असेंबली के बाहर से जब इजलास जो पेश करना हो तो उनको हदायत जारी होती है। सरदार अवैस लगारी बजट पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया हसन, आपने तफसीलात से आगाह किया।